डायरेक्ट मुंह में घुसा दिए ना लड्डू को। हाँ, डायरेक्ट घुसा दिए, खा लिए। हाँ। हेलो दोस्तों, वेलकम एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो अभी हो रहे हैं हमारे जून का महीने का एंडिंग और गणेश प्रतिमा बनना हो गया है स्टार्ट। सब तरफ ग्राम है थनौ, तो चलते हैं, क्या क्या है उसको देख लेते हैं। इससे पहले जो मेरा एक वीडियो पब्लिश हुआ है उसमें आप देख ही चुके हैं मूर्तिकार जी से कैसे बात हुआ है, थनौ के ग्राम के बारे में क्या चर्चाएं चल रही है। तो उसी को चर्चा करने के बाद में हम लोग पानी वानी पी के बैठे थे, उत्ते में आए इस गणपति जी के ऑर्डर देने वाले मेंबर, मतलब जो समिति वाले हैं ना, वो लड़के, वो बंदे लोग, वो भैया लोग आए तो हम लोग देखने लग गए, क्योंकि ऐसा पूजा, ऐसा मतलब कार्यक्रम हम पहली बार देख रहे हैं। हमारा किस्मत अच्छा था जो हम पूजा करते देख चुके। तो जब ऑर्डर दिए हो, एक आपको ऑर्डर के टाइम आना पड़ता है, दूसरा आप एक बार पी रहेंगे 15 दिन 20 दिन महीने दिन के बाद में कि हमारा गणपति, हमारा जो मूर्ति ऑर्डर हुआ है वो कितना तक तैयार हुआ है। और जितना आपका पूरा फ्रेम बन जाता है, बॉडी स्ट्रक्चर बन जाता है, तो एक बार आएंगे तो एक जोड़ा नारियल लेके आएंगे, अगरबत्ती लेके आएंगे और मिठाई, मिठाई में लड्डू लाए थे इन लोग, तो उसी के लिए, पूजा के लिए इंतजार कर रहे हैं कि ऐसा सौभाग्य बार बार नहीं मिलता है। तो ये गणपति कहाँ के हैं उसको भी मैं बता ही देती हूँ। ये है रायपुर गुरुद्वारा चौक का है, जो वहाँ पे बैठेंगे। अभी इनका पूरा नहीं हुआ है, ये है कैटलॉग, इधर आजू बाजू भी रहेंगे, ये बीच का ही बस बना हुआ है, तो बहुत ही सुंदर होने वाला है। अगर आप इस मूर्ति को अभी देख रहे हो और उसके बाद में जब स्थापना हो जाएगा ना, तो ज़रूर देख के मेरे को ज़रूर बताना कि सच में यही है कि नहीं। यहाँ पे मस्त पूजा पाठ हो जाता है। मैं अपने लाइफ में पहली बार मूर्तिकार जी को, इस मूर्ति स्ट्रक्चर जी का पूजा करते देखी हूँ, कि जब स्ट्रक्चर बॉडी बन जाता है तो पेंटिंग का, सजावट के पहले कैसे पूजा किया जाता है, वो आज मेरे को पता चल गया है। अभी बना नहीं है। अरे वहाँ नहीं, जैसे वो होगा ना, समझे, मतलब जब बैठ जाएगा ना तो रायपुर जाएंगे ब्लॉगिंग के लिए, ये बोल रहा हूँ। भले बाइक में जाएंगे, हाँ। लेकिन जाएंगे ले लो पूरा कि रहन दे, चलने दो, चले दो। हाँ भाई, हाँ बोलना। अपने घर में तो जब तक बोले नहीं तो मैं जरूर आए होंगे, कल ले लेना, कल ले लेना, सुबह ले लेना। हाँ कल जाने दुकान है, मुझे पहले ले लेना। अरे तू मेरे को सुबह ही बोलता ना, जब मैं तेरे पास खड़ा था, जब उठी ना मैं सामने निकलो घर से। गणेश उत्सव समिति, श्री मनोकामना सिद्ध गणेश उत्सव समिति, लायंस क्लब स्टेशन रोड, स्टेशन रोड में, लायंस क्लब स्टेशन रोड, लायंस क्लब, लायंस क्लब गुरु नानक चौक। इसमें हम वाइस पूजा करेंगे, रुक प्रसाद खा के जाएंगे, होगी ना प्रसाद करेगा तो। Thank you.
गणपति जी को ऑर्डर देने के बाद में आप 15-20 दिन बाद में आएंगे, तो आने के बाद में आपको मिठाई और नारियल अगरबत्ती से पूजा करना होता है। तो यहाँ पे जो मूर्तिकार है राधे श्याम जी, वो अगरबत्ती जला रहे हैं, उसके बाद में लड्डू का भोग भी लगाएंगे। ऐसा छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी साइज़ की मूर्ति हो, ये परंपरा सारे मूर्ति के लिए होता है, चाहे वो देवी माँ का हो या फिर प्रभु का हो, सभी मूर्ति में ऐसा किया जाता है। और ध्यान से देखना वीडियो में लड्डू को भी कैसे खिलाते हैं और कैसे खाते हैं गणपति जी उसको। इन बच्चों का मतलब पाऊंगा डाल दिया ना, डाल लिया ना। क्लोज करो, अब यहाँ पे सारे प्रसाद को जितने भी वर्कर हैं, समिति वाले आए हैं, उन लोगों को बांट देते हैं। और जो लड्डू खिलाए हैं ना ये राधे श्याम भैया जी, वो लड्डू जो है वो गणपति जी के जो पेट है ना उसमें गिरा हुआ है। मेरा नियत उसी में गड़ चुका था, तो मैं पूछी और पूछ के उसको उठा के खाने लग गई। फिर उसके बाद में गणेशु भी मंगा तो उसको भी दी। फिर जो मूर्तिकार है वो भी बोलते हैं मैं भी वहीं का खाऊंगा करके, इसका मतलब हम उनका जूठा खा रहे हैं। तो बहुत ही किस्मत वालों को मिलता है गणपति जी का या प्रभु जी का जूठा खाने का। तो इस
तरीके से रहा हमारा, और ये है छोटा सरकरा सा रास्ता जिसमें पता नहीं 8 फीट 10 फीट 15 फीट की गणपति कैसे जाती है, गाड़ियां कैसे आती है। तो प्लीज़ यार, थनाउत के जो गलियां हैं, रोड है, उसको सुधराओ। आप सभी से मैं निवेदन करती हूँ, जितने भी होंगे कलेक्टर को, जनपद पंचायत सबको बोलिए।